हाल ही में आपने 2020 का इंटरव्यू फेस किया जी। और आपने जादौन सर के यहाँ पे साक्षात्कार में भी आप आए थे मॉक इंटरव्यू देने, तो आपको कितना फायदा मिला? जी सर के गाइडेंस की वजह से जो मेरी पर्सनैलिटी है इंटरव्यू को लेकर वो काफ़ी इम्प्रूव हुई। सर ने जितनी चीज़ें मुझे बताई ग्वालियर को लेकर, मेरे पर्सनल चीज़ों को लेकर, तो उसमें मुझे काफ़ी बेनिफिट हुआ। पर मुझे लगा ही नहीं कि जब मैं इंटरव्यू गई तो इससे ज़्यादा टफ था, काफ़ी ईजी, मतलब मुझे कम्फर्ट फील हुआ उसमें जाते समय। तो सर कभी कभी टफ क्वेश्चंस पूछते हैं आपको, थोड़ी ऐसी सिचुएशंस में भी ले आते हैं जहां आपको लगता है कि अब हम ब्लैंक हो गए हैं, तो इन चीज़ों को आप कैसे पॉजिटिव वे में लेते हैं? जी इसके वजह से ये पता चलता है कि अभी मेरे ये डार्क एरिया है, इनको मुझे इम्प्रूव करना है, और उसके कारण मैं अपनी पर्सनैलिटी और अपने पर्सनल चीज़ों को बेहतर कर पाती हूँ। तो ये कहीं ना कहीं मेरे लिए काफ़ी पॉजिटिव है, क्योंकि इससे आपको पर्सनैलिटी इम्प्रूव करने में मौका मिलता है। जहाँ तक मुझे याद है, ये आपके कौन से नंबर का मॉक इंटरव्यू है जादौन से? थर्ड मॉक इंटरव्यू आप दिया है। आपको काफ़ी कुछ सर ने सिखाया, उसके बावजूद भी आपको अभी भी लगता है कि हाँ अभी जाना चाहिए फिर से एक बार मिलने? जी बिल्कुल, क्योंकि सर का जो गाइडेंस है, सर की जो चीज़ें हैं इंटरव्यू को लेकर जो समझ है, वो काफ़ी हेल्पफुल रहती है मेरे लिए, और फिर मैं जितनी बार जाना चाहूँ मेरे लिए मतलब उतना ही इम्प्रूवमेंट है तो आपको मिलता है जी। और आखिरी प्रश्न बस ये है मेरा आपसे कि जादौन्स में जो इंटरव्यू बोर्ड बनाया जाता है और वहाँ जो एक इंटरव्यू का माहौल मिलता है, इसको आप कैसे कितनी हद तक रिलेट करते हैं? सर का जो पैनल रहता है वो मेरे हिसाब से काफ़ी हार्ड पैनल रहता है, जो क्वेश्चन रहते हैं काफ़ी स्ट्रेसफुल रहते हैं। इसके वजह से बेनिफिट ये होता है कि जब हम रियल में वहाँ इंटरव्यू फेस करते हैं तो वहाँ काफ़ी कंफर्ट फील करते हैं और चीज़ें काफ़ी इजी वे में हम बता पाते हैं, तो काफ़ी उसका हेल्प रहती है उसके वजह से। तो अब मुझे लगता है कि आपको 26 वर्षों के सर के अनुभव से काफ़ी कुछ सीखने मिला है। जी मैम बिल्कुल, हम बहुत सारी आपको विशेष शुभकामनाएँ देते हैं कि आप जल्द ही डिप्टी कलेक्टर बन के अपनी सेवाएं समाज की तरफ पहुंचाएं, और ऑल द बेस्ट फ्रॉम जादौन इंस्टीट्यूट। थैंक यू मैम। मेरा नाम सत्यम शर्मा है, मैं यहाँ जादौन अकेडमी पे 2019 MPBSC के लिए इंटरव्यू देने आया था। बोर्ड काफ़ी अच्छा था, जादौन सर बोर्ड के अध्यक्ष थे और उन्होंने काफ़ी डीप क्वेश्चन पूछे, इस सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन मुझे दिए थे। साथ ही साथ जो सर का फीडबैक था वो मेरे लिए काफ़ी हेल्पफुल रहा। अन्य कोचिंगों की तुलना में यहाँ पर फीडबैक सर ने अच्छे समझाया, जो क्वेश्चन पूछे थे उनका काफ़ी अच्छे से एक्सप्लेनेशन मेरे को दिया, तो थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। सही दिशा में गाइडेंस मिल रहा है, भले ही वो आपको कड़वी लगे, वो तो जरूरी है ना, क्योंकि यहाँ पे कड़वी लगेगी लेकिन उसको सुधार करते हुए एक इंटरव्यू बोर्ड में अच्छे मार्क्स प्राप्त करके अपनी जो लक्ष्य है उनको प्राप्त किया जा सकता है। आज आपने लगभग कितना समय सर के साथ? लगभग 30 मिनट्स। तो ये 30 मिनट्स में क्या क्या बदले गया? बहुत कुछ, मतलब ये लाइफ चेंजिंग मोमेंट भी हो सकता है और बहुत अच्छा लगा। चलिए हम उम्मीद करते हैं ये 30 मिनट्स श्री बालकृष्ण शर्मा नवीन जी, आपने श्री लगाया, श्री लगाया तो सर एक विद्रोही कविता लिखी है और सर अभी मुझे याद नहीं आ रही, बहुत सारे प्रश्न है सर। सिलेबस की भी है ये तो? जी सर वो एग्जैक्ट, और आप कभी भी हैं? जी सर स्मरण नहीं कर पा रहा, लेकिन मुझे याद है वो सर। हम भी सिपाही जन्म के विनोबा स्थवन, हम विस्पाई जन्म के लिए विस्पाई क्या है, वर्ड क्या विस्पाई है, कभी भी है सर इसके नाम पे। अब बदलिए अपनी कोशिश को कामयाबी में अंडर एक्सपर्ट गाइडेंस ऑफ सर आनंद जादौन।